तो दोस्तों iPhone 16 अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है। लोग वहां पे एप्पल स्टोर के बाहर लाइनें लगा लगा के परेशान हो चुके हैं और मेरी भी ऐसी चाहत थी कि मैं भी वहां पे जाकर ले लूं, बट सोचा कि क्यों वहां पे लाइन लगा के खरीदना, वैसे भी अमेज़न पे कुछ दिनों के बाद आने वाला है। तो इसलिए फाइनली मैं सोच रहा था कि चलो अभी इस बार iPhone 16 लेना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी ज़रूरत लगती है। ऐसे लगता है कि यार ना ये बहुत अच्छी सिक्योरिटी होती है, उसमें वीडियो एडिटिंग का काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। आजकल कुछ कैप्चर बटन भी आया है, सुनने में आया है मैंने। बात यह है कि अभी देखो मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया है, आई एम गोइंग टू बी अ फर्स्ट यूज़र ऑफ आईफोन। तो मैंने सोचा कि ये अपना दोस्त आया है घर में तो उससे थोड़ा सा ज़रा बातचीत की जाए, उसको बहुत नॉलेज है टेक्नोलॉजी के बारे में, ये बहुत ईजी कई सारे फ़ोन यूज़ करते रहता है। और तो सोचा कि इसके बारे में आईफोन के बारे में, आईफोन के ख़रीदारी के बारे में थोड़ा इसके साथ ज़रा बातचीत की जाए। सोचा थोड़ा अगर उसको भी पूछा जाए कि तेरे पास भी अगर कोई क्रेडिट कार्ड विक्रेड हो तो मुझे भी दे दे, या थोड़ा डिस्काउंट भी आ जाएगा, थोड़ा सा फ़ोन थोड़ा सस्ता में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले मिलवा दूँ, ये है मेरा दोस्त शुभम। शुभम हाय करो हमारे दर्शकों के साथ। नमस्ते सभी साथियों को, मैं शुभम, आप लोग मेरे को जानते होंगे, मैं किरण के YouTube चैनल पर कई बार वीडियोस में आ भी चुका हूँ। अब ये पहली बार हम इस तरह से वीडियो बना रहे हैं। वहाँ देखो शुभम जी, वहाँ जैसे कि इन्होंने कहा है कि इन्होंने ये कई सारे वीडियोस में पाए गए हैं हमारे वारन ग्रे व्लॉग्स के, जैसे कि स्नो वर्ल्ड का वीडियो जो आपने देखा है जिसमें बहुत इन्जॉय किया इन्होंने। तो हाँ जी, तो शुभम भाई सब हम अभी लेने जा रहे हैं आईफोन 16 प्रो, तो क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है आप? देखिए, आप आईफोन 16 लो, आईफोन 16 प्रो मैक्स लो, या फिर कोई भी आईफोन लो, मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप आईफोन क्यों लेना चाहते हो? देखो सवाल तो बहुत सही पूछा है शुभम जी, कि जो भी कोई आईफोन का लवर होता है तो वो डेफिनेटली उसके मन में कुछ ना कुछ तो रीजंस होते ही है। ऐसा कोई भी बंदा रैंडमली तो नहीं लेता। हाल फिलहाल में मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन है जिसको तकरीबन 1.5 साल होने आया है, अच्छा चल रहा है नो डाउट। बट होता ना ज़िंदगी में कभी ना कभी तो बस आईफोन चाहिए होता है, वो एक तो चुल तो है ही, ऊपर से आई एम बीइंग अ कॉन्टेंट क्रिएटर, आई फील लाइक आई शुड हैव सच अ ब्यूटिफुल डिवाइस जो मेरा कॉन्टेंट क्रिएशन में मदद करेगा। जैसे कि अभी जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इस पर्टिकुलर 16 में वो जो कैप्चर बटन आया है, कैमरा बढ़ गया है, कैमरा की क्वालिटी बढ़ गई है, वाइडनेस बढ़ गया है, प्लस पावरफुल है, एडिटिंग में भी काम आएगा। तो ये सारे मतलब स्टेटस ऑफ सिंबल भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, ऐसे कई सारे रीजंस हैं मेरे पास जिसके बदौलत मैं सोच रहा हूँ कि आईफोन 16 पर अपग्रेड कर लूँ। देखो जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं ना किरण, तो उस टाइम हमें ना वो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि हम ले क्यों रहे हैं। अब आपने मुझे यहाँ पे कई सारे रीजंस बताए आईफोन ख़रीदने के, तो आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका प्रायर रीजंस, आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्यों आप आईफोन को ही प्रायोरिटी दे रहे हो, क्यों नहीं आप सोच रहे हो कि आप किसी वन प्लस के फ़ोन को प्रायोरिटी दिया। मतलब कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन, जैसे वन प्लस हो गया, सैमसंग भी अच्छे अच्छे फ़ोन्स आते हैं सैमसंग के फ्लैगशिप सीरीज़ में, रेडमी हो गया, पोको के फ़ोन अच्छे आते हैं जो कि अभी तुम यूज़ कर भी रहे हो तो क्यों ना ऐसा कि मतलब कोई एंड्रॉयड नहीं और आईफोन ही तुम्हारी प्रायोरिटी है, क्यों ऐसा सोच रहे हो? एक्चुअली तुम्हारी बात भी सही है। अभी जो मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, पोको का है, इसमें से तो काम तो चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं, प्रोडक्शन भी है, वीडियो भी बन रहा है, एडिट भी हो रहा है। पोको का फ़ोन तो उल्टा एक नंबर चल रहा है, नो डाउट। तो लेकिन बात ऐसी है कि जो आईफोन यूज़ करने का जो मज़ा है ना शुभम, वो कहीं में नहीं है यार, सच में। मैं कहता हूँ जो मज़ा एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने में है ना, वो आईफोन में नहीं, और जो मज़ा आईफोन यूज़ करने में है वो एंड्रॉयड में नहीं। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूँ। अगर कोई मेरा दोस्त या फिर कोई मेरी दोस्त मुझे ये कहे कि मेरी प्रायोरिटी फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी है और अब मुझे फ़ोन लेना है, मेरा बजट का कोई इशू नहीं, तो मैं उसे सजेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ आप आईफोन बाय कर सकते हो। दर्शकों को पहले एक बार बता देते कि एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या, क्योंकि मोस्टली आजकल मैं चैनल पर ब्लाइंडनेस के बारे में ज़्यादा कुछ वीडियो बना नहीं रहा हूँ कुछ दिनों पहले, तो एक्सेसिबिलिटी यानी कि क्या, वो ज़रा दर्शकों को ज़रा हमारे बताएं। एक्सेसिबिलिटी मतलब होता क्या है कि हम विजुअली इम्पेयर्ड लोग, मतलब ब्लाइंड लोग
हम फ़ोन स्क्रीन रीडर की सहायता से इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन रीडर क्या होता है, जो कि हमारे फ़ोन के कंटेंट को पढ़कर हमें सुनाता है कि फ़ोन पे क्या है। जैसे हम अगर व्हाट्सएप स्वाइप कर रहे हैं तो व्हाट्सएप में किसका मैसेज है, क्या लिखा है उसने, हमने उसे क्या लिखना है, ये सब हम स्क्रीन रीडर की सहायता से करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आईफोन चूँकि बहुत अच्छी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड्रॉयड में क्या होता है कि सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड नहीं होती। अब ये बहुत वास्ट टॉपिक है, फिर क्यों नहीं होती, कैसे की जा सकती है, उस पर एक अलग वीडियो बन सकती है। लेकिन सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो एप्पल ने एक्सेसिबिलिटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। इसीलिए एप्पल की जो एक्सेसिबिलिटी है, जैसे फिर वो मैक में हो या फिर आईफोन में हो या फिर उनके आईपैड में हो, बहुत अच्छी होती है। इसलिए ब्लाइंड लोग प्रेफर करते हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए आईफोन लेना। मेरा भाई खुद भी पहले से ही आईफोन यूज़र है और वो अभी भी उसको प्रायोरिटी यही है कि मुझे चूंकि एक्सेसिबिलिटी चाहिए इसलिए मैं आईफोन यूज़ करता हूँ। काफ़ी सारे ब्लाइंड लोग इसीलिए आईफोन यूज़ करते हैं। ये होती है एक्सेसिबिलिटी। जैसा टॉपबैक नाम का स्क्रीन रीडर होता है एंड्रॉयड फ़ोन में, वो कहीं कहीं अच्छे से रिस्पॉन्सिव नहीं होता। उससे क्या होता है कि हमें फिर वो इरिटेशन होता है, अरे यार ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। वही एप्पल में वॉइस ओवर लगभग हर जगह पे वो सही रिस्पॉन्ड करता है और क्विक रिस्पॉन्ड करता है। उसकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत अच्छी होती है रिस्पॉन्ड करने की। इसीलिए आईफोन लोग प्रेफर करते हैं ब्लाइंड लोग लेना। तो ये होती है एक्सेसिबिलिटी। ओवरऑल सारी बातचीत को लेके दोस्तों दर्शकों आपको ध्यान में आया होगा कि ये जो शुभम बंदा है वो थोड़ा एंटी यू नो एप्पल प्रोडक्ट बात कर रहा है। मतलब वो उसका कहना भी बराबर है, अगर ज़रूरत है तो लो वरना मत लो, क्योंकि बाकी एंड्रॉयड से भी काम चल रहा है। बट और एक यहाँ पे एस्पेक्ट्स में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा शुभम आपके साथ, वो है कि बिल्कुल सिक्योरिटी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ना दोस्तों आप सभी के साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि सिक्योरिटी कैसे मैटर करती है आईफोन वाली और एंड्रॉयड वाली। तो आजकल फ्रॉड का बहुत ज़माना चल रहा है, हर आए दिन कोई ना कोई कॉल करता है, बोलता है तुम ये किया क्या, तुमने ये भरा नहीं है, ये भर लो वगैरह वगैरह। उसके रिलेवेंस में एक छोटा सा एक फ्रॉड आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरे एक सर है, उनको एक दिन फ़ोन आया था, उनके वाइफ को एक दिन फ़ोन आया था कि आपका लाइट बिल आपने भरना है, वो जो आपने भरा नहीं अभी तक तो भर दो। तो अभी उनकी वाइफ जो थी वो एंड्रॉयड यूज़र थी, वो तुरंत उन्होंने जो एप्लीकेशन वो सजेस्ट कर रहे थे टीम व्यूअर वगैरह वगैरह एनी डेस्क वगैरह, तो वो करने ही जा रही थी, बट उन्होंने सोचा कि चलो एक बार सर से बात कर लेते। तो उन्होंने सर को कॉल किया और बताया, और हमारे सर के पास तो था एप्पल फ़ोन, तो वही कॉल सर को भी आ गई और सर को उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, आपका बिल बाकी है तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वैसे तो सर को पता चल चुका था कि ये फ्रॉड कॉल है, बट फिर भी एप्पल जो है वो ऐसे जो एप्लीकेशन होते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं जिनसे फ्रॉड होता है वो बिल्कुल आपको इंस्टॉल भी नहीं करने देता है। वो फ्रॉड को बहुत अच्छे तरह हैंडल करता है, अच्छी तरह से क्विकली रिकॉग्नाइज करता है और आपको फ्रॉडस्टर से बचाता है। तो ये बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। यही अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में अगर तुम्हारी किसी से बातचीत होती है और सामने वाला बंदा तुमको बोलता है कि एनी डेस्क डाउनलोड करो, टीम व्यूअर डाउनलोड करो, तुरंत वो डाउनलोड हो भी जाता है और आपके साथ बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है शुभम जी? देखो आपने जो भी बोला ना, सबसे लास्ट पोर्शन आपके बोलने का बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो अगर कोई आपके फ़ोन में कोई मालवेयर या फिर कोई स्पेशल मतलब कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कराता है जिससे आपको खतरा हो, लेकिन टीम व्यूअर या फिर एनी डेस्क इससे तो किसी को कोई खतरा नहीं है। एप्पल तो वो भी इंस्टॉल करने देगा फ़ोन में। एप्पल ये कैसे पहचानेगा कि भाई सामने वाला बंदा फ्रॉड करने के लिए जो है आपके फ़ोन में एनी डेस्क या फिर टीम व्यूअर इंस्टॉल करवाना चाहता है? इस पर मेरा ऐसा मानना है कि अब हम तकनीक के ज़माने में हैं तो हमें थोड़ी बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए आईफोन या फिर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते समय। देखो फ्रॉड जो है ना वो आईफोन यूज़र्स के साथ भी हो सकता है, एंड्रॉयड यूज़र्स के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सतर्क हो, आप अवेयर हो चीज़ों के मामले में, आप अवेयर हो सिक्योरिटी के बारे में, आप अवेयर हो कि फ्रॉड्स के बारे में, तो आपके साथ फ्रॉड आईफोन यूज़ कर रहे हो आप, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो आप, नहीं हो सकता, मेरा मानना है। करेक्ट। लेकिन सिक्योरिटी के मामले में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आईफोन की जो सिक्योरिटी है ना टाइट है, और ऐसे लोग जो कि जिनको अपनी प्राइवेसी या फिर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए, उन लोगों ने भी आईफोन यूज़ करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि आईफोन की जो सिक्योरिटी है वो ना ओवर पजेसिव है कहीं ना कहीं। अब मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा,
मेरे भाई का ही निखिल भाई के साथ क्या हुआ था रिसेंटली, एक साल एक डेढ़ साल पहले की बात है। निखिल भाई मतलब हमारे शुभम भाई के दो बड़े भाई, बड़े भैया जी हैं। हाँ दोस्त और बड़े भाई। मेरे दोस्त, मेरे भाई मतलब दोस्त कई बार ऐसा बोलते हैं मुझे कि यार आप दोनों भाई भाई लगते ही नहीं हो। लगते ही नहीं है। तो क्या यार ऐसा हम दोस्तों में बोलते हैं, अरे भाई है मेरा, तो भाई भी तो मेरा भाई है ना यार, उसमें क्या सही। हाँ हाँ तो किस्से पर आता हूँ। दरअसल मेरे भाई का फोन जो है, जो उसका अनलॉक स्क्रीन वाला पासवर्ड है, वो ले ही नहीं रहा था। वो वही पासवर्ड यूज़ कर रहा था जिससे वो हमेशा फ़ोन अनलॉक करता है, लेकिन वो फ़ोन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था उसका पासवर्ड। और मैंने उसे बताया था, जब उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने उसे बताया था कि ऐसा मैंने कई आईफोन यूज़र्स के साथ सुना है कि ऐसा होता है करके। तो फिर बोला इस पर क्या कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, मुझे पता चला कि कुछ नहीं कर सकते। हालांकि थोड़े बहुत तरीके हैं, लेकिन आप कुछ भी कर लो, आपके फ़ोन का डेटा वाइप होना ही है। आपके पास माय गॉड ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं हम लोगों के पास उस टाइम okay. कि हम किसी भी सिचुएशन में डेटा रिट्रीव कर सकें। इनफैक्ट मैंने फ़ोन भी किया था एप्पल कस्टमर केयर में, उन्होंने भी बोला था कि आपका जितना डेटा चढ़ चुका है आपके क्लाउड स्टोरेज पर, उतना तो आपको बैकअप मिलेगा, बाकी डेटा का आपको बैकअप नहीं मिल सकता, वो सिक्योरिटी की वजह से नहीं मिला जा सकता। okay. आपको आपका फ़ोन रिसेट ही करना पड़ेगा। ओके okay. और तो आप फिर क्या बेनिफिट है पासवर्ड रिकवर, पासवर्ड रिकवर करने के कई सारे मतलब तिकड़म थे, कई सारे तरीके थे, लेकिन कोई तरीका मैंने ऐसा नहीं देखा था, या फिर हो सकता है मुझे नहीं पता चला तरीका हो भी। मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा कि तरीका नहीं हो सकता, लेकिन जितनी रिसर्च मैंने करी थी मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं मिला था कि जिससे मैं उसका डेटा रिट्रीव कर सकूं और फ़ोन भी अनलॉक हो जाए। Okay. लेकिन वही आप एंड्रॉयड अगर देखो, एंड्रॉयड में भी ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एंड्रॉयड में आपको कोई ना कोई तरीका ऐसा मिल जाता है कि आप पासवर्ड रिकवर कर लो, या फिर आप अपने गूगल अकाउंट से आप अपना फ़ोन अनलॉक कर सकते हो। कोई ऐसे तरीके है दो तीन एंड्रॉयड में कि आप अगर अपना पासवर्ड भूल गए हो तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, आप फ़ोन अनलॉक कर सकते हो और आपका डेटा भी सेफ रहेगा। दोनों हैं, मतलब ज़रूरत है तो लेना भी चाहिए, नहीं ज़रूरत है तो अगर ना ले तो भी बिना आईफोन के और एंड्रॉयड फ़ोन से भी काम चल सकता है वैसे, है ना? चल सकता है। देखो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर सेम वही चीज़ जो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके, आपकी प्रायोरिटी, देखो आप महंगे से महंगे, लेकिन मैं मेरे सैलरी से ले रहा हूँ ना भाई, मैं मेरे पैसे से ले रहा हूँ, तेरे से मांग रहा हूँ क्या मैं? नहीं, भले आप मुझसे नहीं मांग रहे हो, हाँ ठीक है, आप एक काम करिए, आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाइए, फाइव सितारा होटल में चले जाइए, हाँ। आप महंगा से महंगा खाना ऑर्डर करिए, लेकिन आप उस खाने की ख्वाहिश तो नहीं खरीद सकते ना भाई। क्या बात कही, क्या बात। अगर आपका पेट ही भर गया है, हाँ। आपका पेट एंड्रॉइड से भर गया है, आप आईफोन लेके क्या करोगे भाई? आपको जब उसकी वैल्यू, आपको उसका इस्तेमाल ही नहीं पता, आप बस उसको एज ए स्टेटस सिंबल लेना चाहते हो, क्या मतलब इस चीज़ का? अरे चार लोगों में उठना बैठना रहता है हमारा, तो लगता है ना लोगों को भी पता चलना चाहिए कि भाई आए चार लोगों के लिए लेना है तो फिर आईफोन का स्टिकर चिपका लो पीछे। ये भी लोग करने लगे। इनफैक्ट एंड्रॉयड फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स करने वाली कंपनियां भी अपने फ़ोन का लुक, जो बैक एंड लुक होता है, वो आईफोन की तरह दिखाना चाह रही है ताकि कस्टमर्स हमारी तरह अट्रैक्ट हो। किसी को अगर दिखाने के लिए फ़ोन लेना है, उनका बजट है नहीं, तो ऐसे कस्टमर जाते हैं उनके पास। लेकिन एक दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मतलब मैं क्यों फ़ोन आईफोन इजीली सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मतलब देखिए, अगर किसी का बजट है 20,000 का और उसके पास अगर 3-4 ऑप्शन है, तो थोड़ी सी रिसर्च करके वो ये फाइंड आउट कर सकता है कि उसको उसकी प्रायोरिटी के आधार पर कौन सा फ़ोन उसको लेना है। जैसे किसी की प्रायोरिटी अगर कैमरा है, तो उन चार फ़ोन में से जिस फ़ोन का कैमरा सबसे बढ़िया है वो फ़ोन ले सकता है। अगर किसी फ़ोन का बैटरी बैकअप अच्छा है तो वो फ़ोन ले सकता है। किसी फ़ोन की अगर परफॉर्मेंस यानी प्रोसेसर अच्छा हो तो वो फ़ोन वो ले सकता है। बराबर, आईफोन तो उस लिस्ट में आया ही नहीं। सही है, 20,000 बजट है भाई का, कहाँ है आईफोन उसमें? एक तो एप्पल जो है सबके लिए प्रोडक्ट बनाता नहीं, एप्पल का एक टारगेटेड कस्टमर है, वो उनके लिए फ़ोन बनाता है। अगर कोई 20-30-40 हज़ार वाला बंदा आईफोन लेने की सोचे, तो उसके लिए आईफोन एप्पल ने फ़ोन बनाया ही नहीं है, आप क्यों आईफोन की तरफ जा रहे हो? सही है। तो बस अभी मैं निकलने ही वाला था यार वो लेने के लिए, अभी बस अभी बीकेसी के लिए निकलने गाड़ी अभी नीचे, मतलब
मेरी नहीं, ओला की गाड़ी अभी आने बुलाने ही वाला था, बट अभी यार शुभम ने बोल के अभी थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर दिया है, तो अभी सोचना पड़ेगा कि सच में आईफोन लिया जाए या ना लिया जाए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आप जाके वहाँ पे 70-80 हज़ार का iPhone 16, ठीक है, मैं मतलब उसके बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, iPhone 16 लोगे, चार्जर कहाँ से लोगे भाई, जो तो डब्बे में तो मिलता नहीं आजकल। अरे हाँ नहीं, ये कोई दूसरा थर्ड पार्टी ले लेंगे, उसमें क्या है, कोई भी कंपनी उनके फ़ोन के साथ थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ करना एडवाइज़ नहीं करती, और उससे आपका फ़ोन ख़राब होगा, गए आपके पैसे, क्या करोगे आप? ऐसी कंपनी, आप उस फ़ोन, उस कंपनी का फ़ोन 1 लाख का ले रहे हो और फिर भी आपको अगर चार्जर नहीं मिल रहा तो कस्टमर्स के साथ ये बेवकूफ़ी है, मेरा सीधा मानना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चार्जर देना चाहिए। और फिर देखो एप्पल कंपनी चार्जर दे नहीं रही, उसकी देखा देखी एंड्रॉयड कंपनियां भी कर रही है, वो भी चार्जर नहीं दे रही आजकल फ़ोन में। पहले जो एयरफोन थे, सबसे पहले एप्पल ने हटाए बॉक्स में से, उनकी देखा देखी बाकी कंपनियों ने भी हटाए, फिर चार्जर हटाया, उनकी देखा देखी बाकी कंपनियां भी हटा रही है। हालांकि कई सारी एंड्रॉयड कंपनियां दे रही है, कुछ एक आधी सैमसंग जैसी ऐसी कंपनी है जो कभी कभी नहीं देती है, या फिर कोई और भी कंपनियां हो सकती है, लेकिन देखो ना आगे चलकर हो सकता है कि बाकी कंपनियां भी चार्जर ना दें, आईफोन का ये ट्रेंड भी कॉपी करने लगे, कल को आईफोन डब्बा ही ना दे, डायरेक्ट फोन दबा दे, फोन ही दे दे भाई। क्या जरूरत है फोन डब्बे की, क्या जरूरत, डब्बा तो आप फेंक ही देने वाला ना, बाद में बोलेंगे कि भाई हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए प्लास्टिक सेव कर रहे हैं, आपको डब्बा नहीं देते। नहीं वो दिन भी दूर नहीं है दोस्तों, सही बात है। वीडियो के इस छोर पर बताना चाहूँगा, मेरा ऐसा कोई आईफोन वगैरह लेने का कोई विचार नहीं है, बस शुभम के कुछ विचार थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और सोचा कि इनको ना लोगों के सामने थोड़ा साझा करना चाहिए, तो कौन से माध्यम से किया जाए, इसलिए एक छोटा सा एक यू नो प्रैंक टाइप ऑफ था कि करना है, अदरवाइज मेरा कोई भी वहाँ पर जाके आईफोन वगैरह खरीदने का कोई मेरा मन नहीं है, मेरा मेरे सैमसंग के साथ, मेरे पोको के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, एंड आई एम रियली लविंग द एक्सपीरियंस विद सैमसंग एंड पोको। हाँ आगे जाके जब भी, वेन एवर आई विल बी डिजर्विंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज पर माई सैलरी बेस, एज पर माई यू नो इनकम बेस, अगर जब भी मैं डिजर्व करूँगा तो शायद ज़रूर लूँगा, बट एज ऑफ ना उसकी सच में कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुभम भैया, वैसे तो आपके सारे मुद्दों से मैं तो वैसे तो यू नो सहमत था, लेकिन लोग दर्शकों को बताने के लिए हमारा एक छोटा सा ये प्रयास था। एक कंक्लूजन में देता हूँ आपको, अगर किसी को आईफोन लेना है तो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सिक्योरिटी, अगर वो बहुत सिक्योर चाहते हो अपने फ़ोन के साथ, बिल्कुल नहीं चाहते कि सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो, उन लोगों ने आईफोन लेना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, यह खासतौर से विजुअली इम्पेयर्ड या फिर ब्लाइंड लोगों के लिए, एक्सेसिबिलिटी। अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर एक्सेसिबिलिटी है तो आप आईफोन लो ही लो भाई, क्योंकि एप्पल जैसी एक्सेसिबिलिटी कोई एंड्रॉयड फ़ोन आज तक तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, करता कर सकता तो बात ये करता ही नहीं है। हाँ उसके प्रयास भी नहीं होते, मतलब एप्पल से अगर आप कंपेयर करोगे ना किसी एंड्रॉयड को, तो आसपास भी नहीं है कोई एंड्रॉयड फ़ोन। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं एंटी एप्पल प्रोडक्ट्स हूँ, मेरे खुद की एक इच्छा है कि भाई मैं कभी लाइफ में मैकबुक लूँ। अब मैं मैकबुक क्यों लेना चाहता हूँ, उसके एक अलग कारण है मेरे पास, मेरी प्रायोरिटी है वो, तभी मैं लूँगा। लेकिन स्टिल जब मुझे लगे कि भाई हाँ अब लेना ही चाहिए यार, अब चाहिए ही मुझे, तो तब मैं कैसे भी करके उसको ले ही लूँगा। लेकिन फ़िलहाल क्या है कि मेरे विंडोज़ लैपटॉप से मेरा काम चल रहा है, मेरा इतना कुछ ओवरबर्डन या फिर उस एक्सेसिबिलिटी से मेरा काम चल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे हो नहीं रही, इसलिए मैंने अभी तक लिया नहीं है। लेकिन जब कभी मुझे लगे कि मैं मैकबुक ले सकता हूँ, मैं ले लूँगा, क्योंकि दोस्तों नीड्स और वांट्स में सच में फ़र्क आपको करने को आना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन फॉर योरसेल्फ, जो मैंने लिया है आईफोन की तरफ फिलहाल तो ना जाने का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ इसे यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारा ये वीडियो ऐसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो बिना वजह या बिना कोई सोच विचार के आईफोन खरीदने के लिए वहाँ पे घंटों तक लाइनों में खड़े हैं, या ई कॉमर्स वेबसाइट पर जा रहे हैं, या कोई भी दुकान पर जा रहे हैं। मैंने कुछ एक वीडियो देखा जिसमें इंडिया में कोई लड़का है, वो अपने मम्मी की जो कमाई है, हार्ड अर्न कमाई है, जो उन्होंने मंदिर के बाहर फूल बेचते हुए उन्होंने कमाई है, वो कमाई लेके वो आईफोन खरीदने जा रहा है। ऐसे लोगों, ऐसे बेवकूफ़ दोस्तों लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताएं कि अगर ज़रूरत ना हो तो आईफोन ना खरीदे। तो इसी नोट पर हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।